जा रही थी कि शहर में नीचा एरिया था, वहाँ पे मिट्टी डाल के इन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश की है। तो मेरा आप लोगों से नगर परिषद द्वारा दी जा रही है, उसका लाभ उठाएं और ऐसी जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे तुरंत डालें। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। शहर की सुंदरता में सामाजिक संस्थाओं का अहम योगदान। डीसी महावीर कौशिक ने नगर परिषद अधिकारियों को साथ लेकर किया शहर में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान डीसी ने नगर परिषद अधिकारियों को सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेने के लिए दिए निर्देश। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। डीसी महावीर कौशिक ने शनिवार को शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों को साथ लेकर शहर में विशेषकर सर्कुलर रोड पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने सर्कुलर रोड पर अस्थायी रूप से बनाए गए कचरा पॉइंट को समाप्त करने व शहर में नियमित रूप से सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लें। शहर को सुंदर बनाने में स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाओं का अहम योगदान होता है। डीसी ने शनिवार को नगर परिषद अधिकारियों के साथ सबसे पहले सर्कुलर रोड पर कृष्णा कॉलोनी मोड़ पर पहुंचे, जहां पर अक्सर नागरिक कचरा डालते हैं। डीसी ने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहां आसपास क्षेत्र कॉलोनी वासियों को जागरूक किया जाए कि वह सर्कुलर रोड पर कचरा ना डालें। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मौजूद डोर टू डोर कचरा एजेंसी से प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि घरों से कचरा एकत्रित करने में किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो, लोगों की तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, प्रत्येक घर से कचरा कलेक्शन होना चाहिए। कुछ दिनों से मेरे संज्ञान में ऐसी बातें आ रही थी कि शहर में घर से घर जो कूड़ा उठाने की जो कार्रवाई चल रही है, उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं चुनिंदा स्थानों पर देर सवेरे वो कूड़ा डालते हैं। तो इसके बारे में मैंने नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, सीएसआई हैं, ईओ साहब हैं, उनको ये कहा था कि जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं उनका सहयोग मिलें और ऐसी जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर अपना स्टाफ भी लगाएं और ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करें कि जो घर से घर डोर टू डोर जो कूड़ा लिफ्टिंग की जो सुविधा है उसका प्रयोग करें और ऐसे जो सार्वजनिक स्थानों पे खुले में कूड़ा ना डालें। तो इसी चीज़ को देखने के लिए आज शहर का दौरा किया था। उसमें नगर परिषद द्वारा अपने स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है और कई जगह जहाँ पे नीचा एरिया था वहाँ पे मिट्टी डाल के इन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश की है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से आम जन से यही निवेदन है कि जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की सुविधा है नगर परिषद द्वारा दी जा रही है, उसका लाभ उठाएं और ऐसी जो सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पर तुरंत डालें। नीचे जो शहर है वो गंदा होता है और जो शहर की सुंदरता भी खराब होती है। और शहर में अगर कोई ऐसी समाज सेवी संस्थाएँ हैं जो इसमें अपना योगदान दें तो वो ईओ साहब से या मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं शहर को सुंदर बनाने में अपना योगदान देना चाहें तो उनका हम स्वागत करते हैं, उनका सहयोग लेके इस दिशा में और कदम उठाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।